उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए रुद्रप्रयाग जिले में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार केदारनाथ धाम पहुंचे। धामी वास्तव में पहले भी 3 बार इस दौरे का कार्यक्रम बना चुके थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उन्हें इसे टालना पड़ा था। केदारनाथ धाम में हो रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का जायजा भी सीएम ने लिया, क्योंकि इसका संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा से है। और इस पर एक रिपोर्ट आप देखिए। सीएम धामी पहुंचे बाबा केदार के धाम। बाबा केदार बनाते हैं बिगड़े काम। कोरोना पर आस्था पड़ी भारी। सीएम धामी ने संभाली यात्रा की जिम्मेदारी। जल्दी शुरू होगी केदार धाम की यात्रा। बाबा के धाम में नहीं है कोरोना का खतरा। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम धामी ने लिया जायजा। बाबा केदार की महिमा किसी से छिपी नहीं है। वो जिसको चाहे अपने पास दर्शन के लिए बुला लें और जिसको चाहे दर्शन देने से मना कर दें। इसको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अच्छा कौन समझ सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए रुद्रप्रयाग जिले पहुंचे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार केदारनाथ धाम पहुंचे सीएम धामी वास्तव में पहले भी 3 बार इस दौरे को लेकर कार्यक्रम बना चुके थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उन्हें इसको टालना पड़ा था। केदारनाथ धाम पहुंचे सीएम धामी ने हो रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का जायजा भी लिया। आने वाले 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी भी बाबा केदारनाथ के धाम में मत्था टेकेंगे और बाबा केदार का आशीर्वाद भी लेंगे। यात्रा चालू हुई थी और यात्रा चालू होने के बीच में बहुत सारी लोगों को तमाम प्रकार की जो दिक्कतें हो रही थी उसको देखने के लिए और साथ में जो पुनर्निर्माण के कार्य वहाँ चल रहे हैं केदारपुरी में उनको मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम के दौरे पर संभवतः 7 अक्टूबर को पहुंच सकते हैं। इस दौरान वो यहाँ हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद ही इन कार्यों पर लंबे समय से निगरानी रख रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले यहाँ पहुंचे सीएम धामी ने इन कार्यों का जायजा लिया। देखने गया केदारपुरी में अभी तक लगभग कुल मिलाकर 409 करोड़ रुपए का कार्य प्रस्तावित और चल रहे हैं दोनों मिलाकर, जिसमें 225 करोड़ का वन का जो काम है वो पूरा हो गया है और फेज टू का निर्माणाधीन जो है 114 करोड़ है। फेज टू में मौजूदा प्रक्रिया चल रही है और 70 करोड़ की है। इसी प्रकार से बद्रीनाथ में फेज वन में 245 करोड़ ये स्वीकृत धनराशि है। गंगोत्री यमुनोत्री सब मिलाकर जो निविदाएँ निकली हैं अभी तक, जब से ये नई सरकार काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की 2017 के बाद, 708 करोड़ रुपए इन चारों धामों में प्रस्तावित हैं और काम। डीडीएमए के अधिकारियों ने हाल ही में बताया था कि बीते 25 से 28 अक्टूबर के बीच चिनूक हेलीकॉप्टर से कई तरह की मशीनें केदारनाथ धाम पहुंची हैं। यहां दूसरे चरण में वाटर एटीएम, सीवेट ट्रीटमेंट प्लांट, संगम घाट निर्माण, आस्था पथ पर शेल्टर निर्माण और प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सालय, पुलिस थाना, विश्राम गृह, धर्मशाला, रावल और पुजारी निवास सहित अन्य निर्माण कार्य जोरों पर हैं। तो वहीं आपको बता दें कि निर्माण कार्यों पर विवादों की स्थिति भी है। यहां पुनर्निर्माण कार्यों पर सवाल खड़े करते हुए तीर्थ पुरोहित लगातार कह रहे हैं कि अनियमितताएं हो रही हैं। केदार सभा के अध्यक्ष विनोद शुक्ला के हवाले से खबरों में कहा गया कि 2016 में संगम पर जो करोड़ों खर्च करके घाट बनाया था उसे तोड़कर दोबारा बनाया जाना साफ तौर पर धन का दुरुपयोग है। यही नहीं, एक खबर के मुताबिक आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल के निर्माण, मंदिर के पीछे सुरंग को ध्वस्त करने और अन्य कामों के बेहतरीन ढंग से किए जाने को लेकर भी मुद्दा बनाया गया है। 708 करोड़ का होगा चार धाम का पुनर्निर्माण। केदारनाथ धाम में निरीक्षण के बाद पत्रकार वार्ता में सीएम धामी ने कहा कि चारों धामों में पुनर्निर्माण पर 708 करोड़ खर्च होंगे। 409 करोड़ का काम फिलहाल केदारनाथ धाम में चल रहा है। बद्रीनाथ में करीब 245 करोड़ का काम होगा। कामों की गति काफी तेज है, अभी और उसमें गति आए उसको देखने के लिए मैं गया था और साथ ही साथ जो हमारे यात्रीगण हैं, श्रद्धालु हैं, उनको कोई असुविधा न हो उसके लिए कल मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो हमारे चार धाम यात्रा के प्रमुख जिले हैं
उनके सभी जिलाधिकारियों के साथ, वहाँ के पुलिस अधीक्षकों के साथ मैंने बात की है और हमने ये सुनिश्चित किया कि किसी प्रकार से भी जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो। और साथ ही साथ हमारे जो चार धाम यात्रा पर जिनका व्यवसाय, जिनका घर द्वार, जिनकी रोजी रोटी आजीविका चार धाम यात्रा में टिकी है, क्योंकि उन लोगों ने शुरू हो रही थी तो काफ़ी सारा सामान खरीद लिया, अपनी व्यवस्थाएं कर ली, लेकिन बीच में कोर्ट का इस प्रकार का निर्णय आया कि उसमें कुछ संख्या के साथ 800 संख्या, 600 संख्या, 400 संख्या के साथ यात्रा शुरू करने का उन्होंने निर्देश दिया था वहाँ से। तो फिर से हम सरकार माननीय न्यायालय में गई और आज उस पर भी कोर्ट का निर्णय आ गया है और अब यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। और हमारा मत है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु का विशेष रूप से हमारी सरकार, हमारा शासन प्रशासन सभी लोग मिलकर जैसे अतिथि आते हैं उस प्रकार का हम उनके साथ व्यवहार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा करने के बाद देहरादून वापस आकर प्रेस वार्ता की। मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चार धाम आने वाले श्रद्धालुओं से अपील करते हुए वो कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए चार धाम के लिए जारी SOP का पूरा पालन करें। यात्रा पर निकलने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज और COVID-19 निगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को साथ अवश्य लाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि माननीय न्यायालय ने चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन निर्धारित सीमा को हटा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि यात्रा भी चलती रहे और यात्री भी सुरक्षित रहें। इसके लिए कोविड गाइडलाइन के तहत यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा को लेकर जो भी दिक्कतें हैं उन्हें जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NB न्यूज़।